अध्याय आठ। अब मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में। हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं। हम उसी के लिए है और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई, और हम भी उसी के द्वारा हैं। सबको ये ज्ञान नहीं है, परंतु कितने तो अब तक मूरत को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूरत के मंदिर में भोजन करते देखे और वो निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक में मूरत के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने का हियाव ना हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वो निर्बल भाई नाश हो जाएगा, जिसके लिए मसीह मरा, भाइयों का अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण बनूं।